इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 16 एक्टिव केसेस है कोरोना वायरस पॉजिटिव के, और 16 पेशेंट्स अस्पताल में उपचाराधीन हैं। एक केस कल डिटेक्ट हुआ है, वो एक किस्म से कम्युनिटी ट्रांसमिशन से हुआ है, ये तबलीग जमात के संबंधित ऊना से हुआ है, और ऊना से ही कुल मिला के तबलीग जमात के 15 लोग संक्रमित हुए हैं। ये संक्रमण जो है हमने अपने आप डिटेक्ट किया है, जो कुटेड़ा मस्जिद के जो मौलवी के बेटा का CDR एनालिसिस किया और जिन जिन से बात हुई उसका पता लगाया, और हमने जो GPS कोऑर्डिनेट्स का पता लगाया और पूछताछ की और पता लगा कि 4 लोगों से संपर्क हुआ था, तो चारों लोगों का टेस्टिंग कराई, उनमें से 3 नेगेटिव आए, 1 पॉजिटिव आया। अगर ये सच्चाई पहले बता देते पुलिस को इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़नी थी, तो इसलिए हमने FIR दर्ज किए। 2 FIR में 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन भी लगाए हैं, और ये दुख की बात है कि इतना अनुरोध करने के उपरांत, वार्निंग देने के उपरांत इस तरह की हरकतें जो है ये बेवकूफी भी है और एक मूर्खता भी है। इसलिए मैं आइंदा उम्मीद करता हूं कि कोई कर्फ्यू का वायलेशन ना करे, अपने घर के अंदर ही रहे, क्वारंटाइन सेंटर पर ही रहे,